जी, तो अगर आपने इंटरफेस बना लिया तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि मैं उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली मुझे जो है उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए जो प्रीवियस ऐसे एग्जांपल में हमने एक मैमल की क्लास, एनिमल की क्लास बनाई थी, तो हम उसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो हमने ये कहा कि इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि वो जो जो क्लास है वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रही है कि वो जो इंटरफेस है उसके जितने भी मेथड हैं उसको उसने उसके बिहेवियर को क्या करना है, उसे इम्प्लीमेंट करना है। यानी इन शॉर्ट हम ये कह रहे हैं कि अगर एक क्लास ने एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट किया तो उस क्लास के लिए ज़रूरी है कि वो उस इंटरफेस के सारे सारे मेथड को क्या करे, इम्प्लीमेंट करे। तो इसको हम साइनिंग कॉन्ट्रैक्ट कह रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं होता तो वो जो भी चाइल्ड क्लास होगी वो क्या होगी, वो भी एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास होगी। तो ये हमने डिस्कस किया पहले। इसके लिए हम इम्प्लीमेंट्स का कीवर्ड यूज़ करते हैं इम्प्लीमेंटेशन के लिए। तो सिंपल है कि मैंने एक क्लास बना ली मैमल इंटरफेस, ये क्लास है मैमल इंटरफेस, INT लिखा है हमने इसके साथ, और ये इम्प्लीमेंट करेगी किसको, एनिमल की क्लास को। और अगर एनिमल की क्लास को इसने इम्प्लीमेंट करना है तो डेफिनेटली इसने क्या करना है कि जो एनिमल की क्लास के अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट मैथड हैं उनको इसने इम्प्लीमेंट करना है। तो जो पहला मेथड था वो ईट था, तो मैमल ईट के नाम से हमने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। और ट्रैवल में हमने इसी तरह से ट्रैवल के फंक्शन को हमने इनहेरिट इम्प्लीमेंट कर लिया। एक और मेथड है इसका, इस क्लास का अपना, और वो ये है कि नंबर ऑफ लेग्स, और फिलहाल हम कह रहे हैं कि 0। और मैं अगर मैमल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो मैं उसके साथ मैमल डॉट ईट, मैमल डॉट ट्रैवल, और इसी तरह से जो थर्ड फंक्शन जो अभी मैंने यहाँ पे कॉल नहीं किया, तो मैमल डॉट नंबर ऑफ लेग्स को भी मैं क्या कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो इन शॉर्ट यहाँ पे जैसे ये बताना चाह रहा हूँ कि इम्प्लीमेंट करना हो तो आपने क्या करना है, इम्प्लीमेंट का कीवर्ड जो है वो यूज़ करना। मैमल जी एट एंड मैमल ट्रैवल के नाम से हमारे पास इसकी एक आउटपुट आ जाएगी। ये एक एग्जाम्पल है जिसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक व्हीकल की क्लास हम बनाना चाह रहे हैं। यानी सिंपली हम ये करना चाह रहे हैं कि हम बाइसाइकिल, कार और मोटर, सॉरी कार और बाइक की इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करना चाह रहे हैं, सिस्टम बनाना चाह रहे हैं जिसमें हम बाइक, कार और बाइसाइकिल की इंफॉर्मेशन जो है वो मेंटेन करना चाह रहे हैं। अब जो सिनेरियो है वो ये है कि ये जितनी भी क्लासेस हैं उनके लिए मुझे ये फंक्शंस तीनों बनाने पड़ेंगे, ठीक है। यानी जो भी इनमें से क्लास होगी, बाइसाइकिल हो, कार हो, बाइक हो, इन तीनों में चेंज गियर की फंक्शनैलिटी होगी, डेफिनेटली होनी चाहिए। स्पीड अप डाउन की फंक्शनैलिटी होगी, ऑब्वियसली होनी चाहिए। और अप्लाई ब्रेक्स की फंक्शनैलिटी होगी, वो भी क्या है, रिक्वायर्ड है, होनी चाहिए। सो कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि कोर फंक्शनैलिटी है तीनों क्लासेस के लिए, और अगर कोई भी क्लास इसको इम्प्लीमेंट ना करे तो फिर वो जो क्लास है वो इनकम्प्लीट क्लास होगी। यानी कोई बाइसाइकिल ऐसी बाइसाइकिल नहीं होगी कि जिसमें हम ये कहें कि स्पीड अप और स्पीड डाउन वाला कोई सिनेरियो नहीं होगा। कोई कार ऐसी नहीं होगी जिसमें चेंज गियर का ऑप्शन ना हो, ठीक है, अप्लाई ब्रेक्स का ऑप्शन ना हो। कोई बाइक ऐसा नहीं होगा जिसमें ये फंक्शनैलिटी ना हो। तो ये एक ऐसी फंक्शनैलिटी है जो कि कंपलसरी है। तो यहाँ पे सिनेरियो ये है कि फिर हमें इसे क्या करना चाहिए, एक इंटरफेस बनाना चाहिए। तो सिंपली इस क्या कर लिया हमने, एक इंटरफेस बना लिया व्हीकल के नाम से, और ये तीनों तीनों फंक्शंस जो है वो एज अ टेम्पलेट, एज एन एब्स्ट्रैक्ट मेथड जो है वो हमने इसमें डिक्लेयर कर लिए। अब जो मेरी पहली क्लास है बाइसाइकिल क्लास, उसने इम्प्लीमेंट कर लिया व्हीकल को। तो व्हीकल को इम्प्लीमेंट करने का फ़ायदा ये हुआ कि अब इसके लिए ज़रूरी है कि ये उसके सारे के सारे मेथड जो कि एब्स्ट्रैक्ट हैं बाय डिफॉल्ट, उनको ये इम्प्लीमेंट करे। और इम्प्लीमेंटेशन की डिटेल में ये कुछ अपने नॉन स्टैटिक एट्रीब्यूट, लोकल एट्रीब्यूट ले रहा है जिसको हम स्पीड और गियर कह रहे हैं। और चेंज गियर के फंक्शन के अंदर हम एक गियर की वैल्यू पास करेंगे और उसको अपडेट कर लेंगे। इसी तरह से स्पीड अप का फंक्शन है, जो इंक्रीज करना है हमने स्पीड में वो ऐड कर लेंगे। और अप्लाई ब्रेक का जो फंक्शन है वो हम जो भी स्पीड की वैल्यू इसको देंगे वो उसको हम डिक्रीज करेंगे। और प्रिंट स्टेट्स में हमने इस फंक्शन की स्टेट्स को प्रिंट करना है। यानी ये जो पहले तीन फंक्शंस हैं, ये जो तीन फंक्शंस हैं
इन तीन फंक्शंस को लाजमी तौर पे इस क्लास में इंप्लीमेंट करना है। क्यों? क्योंकि इसने साइन किया है कॉन्ट्रैक्ट विद व्हीकल क्लास कि मैंने क्या करना है कि उस क्लास के सारे मेथड को इंप्लीमेंट करना है। सो इसके लिए ज़रूरी है कि ये उसको क्या करे, इंप्लीमेंट करे। और यहाँ पे हमने इंप्लीमेंट कर दिया और साथ में जो है एक फंक्शन बना लिया एडिशनल फंक्शन प्रिंट स्टेट्स के नाम से, जो क्या करेगा उसकी स्टेट को प्रिंट करेगा। अगेन सेम केस है बाइक के लिए, बाइक ने भी व्हीकल को इंप्लीमेंट किया, स्पीड और गियर के एट्रीब्यूट इसके अपने हैं, चेंज गियर के मेथड को इसने अपने हिसाब से चेंज किया। एग्जांपल में तो सेम है लेकिन डेफिनेटली इन दोनों का बिहेवियर क्या होगा, डिफरेंट होगा। स्पीड अप का फंक्शन भी सेम है और अप्लाई ब्रेक्स का फंक्शन भी क्या है, सेम है। अब यहाँ पर जो कोर कॉन्सेप्ट है वो ये कि अगर ये क्लासेस चाहें तो इन फंक्शंस की फंक्शनैलिटी जो है वो अपने हिसाब से देंगे। फिलहाल एग्जांपल में तो सेम है लेकिन जो फंक्शनैलिटी है वो ये अपने हिसाब से इसने क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है। ठीक हो गया। तो अगर मैं मेन में जाके ये कहूँ कि एक बाईसाइकिल क्लास का ऑब्जेक्ट है, मैं बाईसाइकिल डॉट चेंज गेयर करता हूँ, मैं कहता हूँ टू, तो ये सेकेंड गेयर की बात हो रही है। स्पीड अप थ्री, तो थ्री का इंक्रीज आ जाएगा इसमें। अप्लाई ब्रेक वन, तो क्या होगा कि स्पीड में डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। तो उसकी इंफॉर्मेशन को अगर मैंने प्रिंट करना है तो मैं कहूँगा बाईसाइकिल डॉट प्रिंट स्टेट्स। फिर सेम यही केस है जिसमें हम कह रहे हैं बाइक, और बाइक डॉट चेंज गियर, बाइक डॉट स्पीड अप एंड बाइक डॉट अप्लाई ब्रेक, और जो भी उसकी स्टेट है जो चेंज आएगा वो हमने प्रिंट कर ली। तो अगर हम आउटपुट की बात करें इसमें, तो हम ये कह रहे हैं कि बाइसिकल प्रेजेंट स्टेट जो है वो स्पीड टू है एंड गियर टू है, और जो बाइक है उसमें स्पीड वन है और गियर क्या है, वन। जस्ट एग्जांपल के तौर पे ये कुछ वैल्यूज हमने ली। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं, ये आपको समझ आने चाहिए कि जब हम ये कह रहे हैं कि ओवरराइड करेंगे मेथड को डिफाइंड इन इंटरफेस, तो हमें जो है वो इन कुछ रूल्स को फॉलो करना है कि सिग्नेचर ऑफ मेथड्स ऑफ इंटरफेस मस्ट बी सेम, सेम रिटर्न टाइप होनी चाहिए। ठीक है, तो जो मेथड हमने पेरेंट क्लास में बनाया है एग्जैक्टली सेम मेथड जो है वो हमने चाइल्ड क्लास में बनाना है। और सेम का मतलब यहाँ पे ये है, उसका नाम भी सेम हो, उसके पैरामीटर भी सेम हो, उसकी रिटर्न टाइप भी क्या हो, सेम हो, सिक्वेंस भी क्या हो, सेम हो। ओवर राइटिंग में ऐसे ही होता है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और हम ये कह रहे हैं कि एन इम्प्लीमेंटेशन क्लास इट्सेल्फ कैन बी एब्स्ट्रैक्ट एंड इफ सो नीड टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो हम ये कह रहे हैं कि जो सब क्लास है वो एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो सकती है, और ये वो सिनेरियो होगा कि जब पेरेंट क्लास के मेथड्स को उसने इम्प्लीमेंट ना किया हो। व्हेन इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेसेस देयर आर सेवरल रूल्स, अ क्लास कैन इम्प्लीमेंट मोर देन वन इंटरफेस एट अ टाइम, एक क्लास एक से ज़्यादा इंटरफेस को एक टाइम पे इम्प्लीमेंट कर सकती है, जबकि एक क्लास जो है वो एक ही क्लास को एक्सटेंड कर सकती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्लासेस जो है वो एक से ज़्यादा क्लासेस को इनहेरिट नहीं कर सकती, लेकिन जो इंटरफेसेस हैं वो एक से ज़्यादा जो है वो इनहेरिट कर सकते हैं हम, और इनहेरिट से बाद यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन। और इवन हम ये भी कर सकते हैं कि एक इंटरफेस जो है वो दूसरे इंटरफेस को क्या कर ले, इनहेरिट कर ले, यानी एक्सटेंड कर लें, जिस तरह हम जो है वो क्लासेस में करते रहें। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जिसको भी हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं।